सभी पशुपालक भाइयों का मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चिलेटेड एग्रीमेंट फूड पाउडर के बारे में, जो कि साथियों 5 kg में अवेलेबल है और पशुपालक भाई इस पाउडर को खिला रहे हैं। इस पाउडर को अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके पशुओं के लिए ये पाउडर हर समय अवेलेबल होना चाहिए, या आप बकरी पालन करते हैं तो ये पाउडर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये पाउडर अवेलेबल होना चाहिए, इस तरह की कंपनी या कोई और कंपनी का पाउडर आपके पास मिनरल मिक्सचर जरूर होना चाहिए, क्योंकि साथियों आज की डेट में पशु इंस्टॉल फीडिंग पर चारा खा रहे हैं और चारा खाने के साथ साथ उन्हें हर प्रकार का विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम ये सभी डाइट में प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है और आए दिन इसकी कमी की वजह से पशु प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, पशु की दूध उत्पादन क्षमता कम हो रही है, दूध सही तरीके से नहीं उठाता ब्याने के बाद, और साथ ही उनका फैट नहीं बढ़ रहा और दूध में भी फैट नहीं आ रहा और प्रेग्नेंट सही समय पर इसकी कमी की वजह से पशु नहीं हो रहे हैं। तो साथियों मिनरल मिक्सचर हमें कितना खिलाना महत्व है, आज की इस वीडियो में यही डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पाउडर देख रहे हैं ये एचलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट है, जो 5 kg में है और 1 kg में भी अवेलेबल आता है, ये 5 kg में भी अवेलेबल है। तो जिनके पास ज्यादा पशु हैं या साथियों ज्यादा मात्रा में उनके पास पशु हैं तो आप 5 kg का पाउडर आप लें तो उसमें काफी बेनिफिट होगा। इसकी जो कॉस्ट है 600 या 700 के अराउंड आपको मिल जाएगी, 1 kg का है तो आपको 150 से 200 के समथिंग आपको मिल जाएगी। और इसका रिजल्ट जो है साथियों कहाँ कहाँ काम करता है। सबसे पहले अगर आपके पशु डेयरी फार्मिंग में गाय, भैंस, बकरी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, सही समय पर हीट पे नहीं आ रहे हैं, तो ये पाउडर आप लगातार साथियों 1 महीने तक खिलाएं, आपका पशु 100% हीट में आएगा और प्रेग्नेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपका पशु ब्याने के बाद दूध नहीं दे रहा है, आपने सारे जतन कर लिए है, कीड़ों की दवा भी दे दी, कैल्शियम भी दे दिया और साथियों आपका पशु दूध नहीं बढ़ रहा है, तो मैं कहता हूँ 100 ग्राम पर डे अपने पशु के डाइट में, बड़े पशु जो लार्ज एनिमल में उनको 100 ग्राम पर डे प्रतिदिन इस किसी भी डाइट में आप खिलाएं, 101% पशु का दूध बढ़ेगा। तीसरी चीज है पशु में वीकनेस, कमजोरी। आए दिन साथियों पशुओं की पसलियां चमकने लगती है, पशु ज्यादा दूध उत्पादन की वजह से वो वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और कैल्शियम तोड़ जाते हैं। तो साथियों ब्याने के बाद पशु में मस्कुलर ट्रॉफी हो जाती है, जॉइंटिस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है और साथ ही साथ कमजोरी की वजह से जब बॉडी में गाय, भैंसों में और बकरियों में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो साथियों वहां पर जानवर को पैरालिसिस धीरे धीरे डेवलप होने की चांस रहते हैं। पैरालिसिस भी इसी कंडीशन में साथियों बनता है, क्योंकि पशु की दूध की खपत ज्यादा होती है फीमेल में और वहां पर पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, इस पाउडर को खिलाने के फायदे क्या होंगे, ये वजन भी बढ़ाएगा पशु का और साथ ही साथ फैट भी बढ़ाएगा और जो पशु दुधारू है उसका दूध भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा और पशु सही समय पर प्रेग्नेंट हो जाएगा। प्रजनन क्षमता नहीं हो रही है, बार बार आप गाभिन करा रहे हैं, वो क्रॉस नहीं हो पा रही है या रुक नहीं पा रही है, तो वहां पर भी अगर पाउडर को खिलाएंगे तो पशु आपका गाभिन भी रुकेगा और साथ ही साथ अगर हीट में नहीं आ रहा है तो पशु इसे खाने के बाद हीट में भी आएगा। अब जान लेते हैं साथियों गॉट फार्मर के बारे में, जो भाई बकरी पालते हैं या बकरे पालते हैं। तो बकरियों का साथियों, बकरियों को भी इतने ही महत्वपूर्ण है ये पाउडर जितना साथियों गाय भैंसों में उपयोगी होता है। तो आप बकरियों और बकरों का साथियों जो बेसिक फंडा है, अगर आप अपने फार्म में ये कंटिन्यू चालू रखते हैं तो आपके बकरे का वजन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ बॉडी पर शाइनिंग आएगी और बॉडी में किसी प्रकार की कैल्शियम की कमी, डिफिशियंसी है या मिनरल्स की डिफिशियंसी है उसकी भी पूर्ति होगी। जब शरीर में वो मिनरल्स की डिफिशियंसी खत्म हो जाती है या पूर्ति हो जाती है तो साथियों वहां पर पशु का ऑटोमेटिक वजन बढ़ने लगता है। तो मिनरल मिक्सचर हर गोट फार्मर को आपने खिलाना चाहिए। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो जो साथियों लार्ज एनिमल है, जो 200 से 250 kg का पशु है, तो वहां पर आपने 100 ग्राम प्रतिदिन किसी भी चीज में, चाहे रातिब में, चाहे दलिया में, या साथियों जो पशु चारा खाता है उसमें मिला के ऐड कर सकते हैं और प्रतिदिन लगातार आपने पशु को 1 महीने तक देना है, जब तक पशु का पाउडर खत्म ना हो जाए। अब जो बड़े पशु हैं उनके लिए मैंने डोज बता दी है। अब आते हैं साथियों भेड़ बकरियों की तरफ। तो बकरियों को 30 से 35 किलो की अगर बकरी है तो आपने 10 से 15 ग्राम पर डे
पशु का आपने पाउडर देना है। ये चाहे आप उसको दाने में दे सकते हैं, चाहे किसी भी चारे में आप उसको ऐड कर सकते हैं, चाहे भूसे की सानी में ऐड कर सकते हैं। तो ये पाउडर इस तरह से आपने खिलाना है, और जब भी फीड दें तभी भी इसे आपको ये पाउडर खिलाएं, और बहुत ही अच्छे इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो भाई कहते हैं कि हमारे बकरों का लॉट में वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो साथियों इस पाउडर को आप ऐड कर लीजिए, 101% आपके बकरे का वजन बढ़ेगा। और टाइम टू टाइम जो बकरियां प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, हीट में नहीं आ रही हैं, तो इस पाउडर को खाने के बाद हीट में भी जरूर आएंगी। तो साथियों ये पाउडर बहुत ही ज्यादा रामबाण है, ये छोटा सा पाउडर लेकिन फायदे बहुत ही ज्यादा इसका अनेक है। और इस पाउडर को आप जरूर खिलाएं, चाहे कोई सी भी कंपनी का आप लें, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो, लेकिन मिनरल मिक्सचर अपने पशुओं को जरूर खिलाएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को साथियों मेरा निवेदन है कि मेरा एक और चैनल है फेसबुक पे, अगर आप वहां भी देखना चाहते हैं वीडियो, तो उसका भी लिंक मैंने फेसबुक पे साथियों दे दिया है। वहां भी मैं पशु से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो वहां पे आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।